हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल कौसाम्बी में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैपटॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर की कमी है तो उसे हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियो टेक्निकल की लाता रहता हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और ब्राउज़र ओपन करेंगे अपने लैपटॉप में और यहाँ पे सर्च करेंगे गेट इनटू पीसी और इंटर करेंगे और सर्च में ये हमारा पहला ही ऑप्शन आ जाता है। हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारा पेज कुछ ऐसा खुलेगा। गेट इनटू पीसी जब सर्च करेंगे तो हमारा पेज कुछ ऐसा खुलेगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सर्च वेबसाइट, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मान लीजिए, मैं यहाँ पे एक आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे लैपटॉप में VLC सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम यहाँ पे VLC लिखेंगे, टाइप करेंगे और यहाँ पे गो लिखा हुआ है। गो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही VLC का सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाएंगे और हम जिसे चाहेंगे उसे ईजिली इंस्टॉल, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कई सारे आ गए हैं हमारे पास VLC का सॉफ्टवेयर, आप ये देखिए। और भी अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, कोई भी नहीं सही लग रहा है, तो यहाँ पे ये टू लिखा हुआ है या तो नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी दूसरे सॉफ्टवेयर VLC के आ जाएंगे। तो चलिए हम आपको एक ये वाला हम करके दिखाते हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होगा। तो हम इस पर VLC पे क्लिक जैसे ही करते हैं और स्क्रॉल करके नीचे थोड़ा आएंगे। नीचे आने के बाद ये देखेंगे आप और थोड़ा नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे VLC के बारे में, हमारा ये जैसा सॉफ्टवेयर है VLC उसी के बारे में ये लिखा हुआ है। फुल सेटअप, ये देखिए फुल सेटअप साइज 75 MB, 150 MB का है और ऐसे ऐसे हैं। दो सॉफ्टवेयर हैं, आप इसे जो चाहे उसे कर सकते हैं। आप या तो कम करना चाहते हैं तो दूसरा सॉफ्टवेयर करिए, अगर 150 MB से ज़्यादा आपको करना है तो दूसरा सॉफ्टवेयर, फिर से बैक जा करके उस पर कई सॉफ्टवेयर हैं, आप जिसे चाहें वो आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। और ये भी देखिए यहाँ पे मेमोरी रैम, आपके लैपटॉप में जो है 512 MB की यानी कि रैम होनी चाहिए, रिक्वायर्ड यानी कम से कम 512 MB की होनी चाहिए। ये है तो ये देखिए डाउनलोड हम यहाँ से कर सकते हैं। ये 75 MB वाला होगा और ये 150 MB वाला होगा। तो हम जिसे भी चाहें यहाँ पे डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा डाउनलोड होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी सर्च कर रहा है, हमारे डाउनलोड हो जाएगा अभी। अभी हमें कुछ करना नहीं है, ये अपने से ही, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है हमारा। तो अब ये कुछ देर बाद, अभी 75 MB का है, यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये तो मैं तो डाउनलोड कर रखा हूँ, फिर इसे अभी मैं बाद में इसे डाउनलोड कर लूँगा। अब आपको अगर इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आपके मन मुताबिक यहाँ पे सर्च करने पे नहीं आ रहा है, आप कोई भी और दूसरा सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं पर वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं आ रहा है सर्च हो करके, तो आप उसको कैसे सर्च करेंगे, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप ये सर्च कर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो है www. अगर आपका HP लैपटॉप है तो HP सर्च करेंगे, डेल है तो डेल, सोनी का है सोनी, और भी जिस कंपनी का आपका लैपटॉप है ये वहीं पे, ये चीज़ वहीं पे सर्च करेंगे। अगर हम, मेरा HP है तो मैं HP सर्च करूँगा, hpsupport.com। हम ये जैसे ही टाइप करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ये हमारी ऑफिशियल साइट खुल जाएगी HP की। HP की ये ऑफिशियल साइट खुल गई है। अब हम इस पर, हमें जो है चाहिए सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर एंड ये डिवाइस हो गया, सॉफ्टवेयर पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम और नीचे आएंगे, हमारा जो है लैपटॉप है तो हम लैपटॉप पे क्लिक करेंगे, अगर आपका डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करिए, मेरा लैपटॉप है तो लैपटॉप पे हम इजीली क्लिक करते हैं। और फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंटर योर सीरियल नंबर, मतलब कि अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर या मॉडल नंबर आपको सर्च करना है, इस पर टाइप करना है। तो मैं अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर
मैं अपने लैपटॉप का जो है मॉडल नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये मैंने अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर टाइप किया और फिर सबमिट किया। फिर उसके बाद हम ये कुछ सर्च करेगा। सर्च होने के बाद थोड़ी वेट और करेंगे, नेट मेरा स्लो है, आपका अगर तेज होगा तो जल्दी ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये अब ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमें जो भी सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में चाहिए उसी मॉडल के उसी सीरियल नंबर के हमारे सॉफ्टवेयर जितने भी थे ये सब आ गए हैं। अब आप मान लीजिए ये ड्राइवर है, ड्राइवर पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दो है, इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लैपटॉप पर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये नेटवर्क का है और भी सारे सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर हो लगते हैं, जितना ज़रूरत है उतना इसमें दिया हुआ है, सभी सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसका दोनों का गेट इनटू पीसी जो है और ये एचपी वाला, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो आपको और भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, कुछ भी कमी आ रही है, तब भी नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।